आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे जवानों को दी। इसके बाद उनको उनके कुछ प्रश्न इस बारे में होंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह से करें। इससे पहले कि आप कुछ इनको दूसरी जानकारी दें, आपने बताएं कि पैसे को बैंक में जमा करने में और इन्वेस्टमेंट करने में इन दोनों में अंतर क्या है। तो पहला जो मेन डिफरेंस हमको बैंक और इसमें समझना चाहिए वो ये है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स खरीदते हैं तो आप बेसिकली इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे होते हैं। तो जब आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे होते हैं तो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न हमेशा बैंक रेट के रिटर्न से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेरे फादर मुझे बचपन में बहुत समझाते थे कि इतना जब मैंने कुछ पैसा कमाना चालू किया तो मुझे बताते थे कुछ पैसा बैंक में रखना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इक्विटी मार्केट में। हमारा ऐसा मानना है कि जब आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो बैंक में रिटर्न आपको जो 8% 7% या 6% जो आजकल मिल रहा है वो तभी पॉसिबल है जब इक्विटी या इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बैंक से लोन लेती है। जैसे आजकल आप अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं से 7% पे या 8% पे, अगर आप 8% पे जमा कर रहे हैं तो इंडस्ट्री आपसे उनसे बोरो कर रही है 10% या 11% पे। अभी जी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जब बैंक से पैसा लेते हैं तो अगर वो 10-11% पे बोरोइंग कर रहे हैं या उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी और को ये 10-11% पे लोन दे सकते हैं तो वो अपना बिजनेस तब तक करते रहेंगे जब तक उनका रेट ऑफ रिटर्न उस बोरोइंग रेट से ज्यादा हो। अगर उनको 11% पे पैसा मिल रहा है और वो 8% पे काम करें तो एक्चुअली कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो इंडस्ट्री पूरी एज अ होल वो बैंक एज अ होल से हमेशा उसका रिटर्न जो है वो ज्यादा होना ही चाहिए। और उसका एग्जांपल देने के लिए एक नंबर कोट कर सकते हैं, जैसे हमने उस सेमिनार में बात की थी कि 1980 में सेंसेक्स 100 पे था और आज वो आज की डेट देखें, उस दिन शायद सेमिनार दे रहा था तो शायद वो 29,000 पे था, आज मार्केट जो है 26,000 पे, तो ये बेसिकली 260 गुना ऊपर है। इसमें एक और कंपोनेंट है जो हम ऐड नहीं करते, डिविडेंड कंपोनेंट। डिविडेंड जो है वो 1.5% साल का कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होता है और वो भी कंपाउंड होकर उसका भी काफी बड़ा इफेक्ट होता है जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में अभी नहीं दिख रहा। उसके अलावा अगर हम ये अज्यूम करें कि 1980 से लेकर आज तक 2016 तक 35 या 36 साल अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक में पैसा क्या हुआ होता, तो मैं इतना हूँ जैसे अज्यूम करते हैं कि बैंक में लास्ट 35 साल में आपको आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न 7% मिल रहा था आफ्टर टैक्स। मतलब अगर बैंक में 10% है और कोई 30% स्लैब में आता है तो उसको आज 7% तब मिलेगा जब बैंक उसको 10% दे। जैसे आज बैंक जब 8% दे रही है तो आपको 8 नहीं मिलने वाला टैक्स कटा के, अगर आप 30% उसमें है तो 2.4% का आपको टैक्स लग जाएगा यानी कि 5.6% आपको मिलेगा। मैं रिज्यूम कर रहा हूँ पहले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते थे तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स समझिए आपको 12-12% भी मिलते होंगे और आजकल इंटरेस्ट रेट आपको 7-8% मिल रहे हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न आपका 7% था इतने सालों में। अगर 7% आपका आफ्टर टैक्स रिटर्न था, इसका मतलब हर 10 साल में पैसा जो है वो आपका डबल हो जाता था। यानी कि 100 रुपया रखा तो उस आपका, अगर मैं 10% पकड़ लेता हूँ, मैं 10% पकड़ करना चल रहा हूँ, तो अगर आपने पैसा आज बैंक में रखा और आपको 10% रिटर्न मिलता है हर साल आफ्टर टैक्स, तो हर 7 साल में पैसा आपका बैंक में डबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने 100 रुपये 1980 में रखे होते तो वो 100 रुपये 7 साल बाद हो गए होते 200 रुपये, 14 साल बाद हो गए होते 400 रुपये, 21 साल बाद हो गए होते 800 रुपये, 28 साल बाद हो गए होते 1600 रुपये और आज 35 या 36 सालों बाद ये हो गए होते 3200 रुपये। मतलब 100 रुपये हमने जो बैंक में रखे थे, अज्यूमिंग कि हमको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था पहले क्योंकि ज्यादा आजकल कम, तो आपका पैसा 100 जो है वो 32 गुना बढ़ के 3200 हो गया होता। लेकिन इंडस्ट्री ने या सेंसेक्स ने 100 रुपये लगा के आपको 26,000 दिया, ये 260 गुना ऊपर है और वो 32 गुना ऊपर है। और इसलिए नहीं क्योंकि सेंसेक्स अच्छा है, इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी सेंसेक्स में है वो बैंक से 8% 9% 10% पे पैसा लोन ले रही थी और उसी से वो अपना बिजनेस कर रही थी। तो कंपनीज का रिटर्न उस 10% से ज्यादा होना ही पड़ेगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हो सकता है इधर उधर चीजें होंगी, रिसेशन आएंगे तो हो सकता है इन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाए, बट लॉन्ग रन में इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक रेट से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए ये सबको याद रखना चाहिए कि जो भी पैसा आपको अगले 5 साल 6 साल 7 साल में चाहिए हो वो स्टॉक मार्केट में जनरली आपको लेके नहीं आना चाहिए, और जो भी आपको 5-6-7 साल बाद चाहिए हो वो एक्चुअली आपको स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहिए। बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली
जो भी पैसा आपको अगले 5-6 साल में चाहिए उससे लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, जो आपको 10-15 साल बाद चाहिए वो आपने बैंक में रखा होता है, जो मेरे हिसाब से गलत है, उसका उल्टा होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न ये है कि मान लीजिए एक आदमी 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, उस साल सर्विस करने के बाद वो रिटायरमेंट लेता है, उसके बाद वो चाहता है कि पर मंथ उसको हर महीने उसको रिटर्न मिलता है, उसको पेंशन की तरह से पर मंथ रिटर्न मिले, तो इस बारे में क्या तरीके से? हाँ जी, तो अभी इसमें बहुत अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होती हैं और मैं सारी कैलकुलेशंस के बारे में बात करूंगा, तो लंबी चीज है बट मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे केस में पूछें तो किसी ने मेरे को बोला कि रिटायर कब हो, अब रिटायरमेंट सबका अलग अलग वैल्यूएशन पे या अलग अलग नंबर पे होता है, तो भाई किसी को चाहिए 1,00,000 रुपया महीना, किसी को चाहिए 20,000, और किसी को पैसा बैंक में रखना है, फिर बढ़ाना नहीं है, बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी। कई लोग ये बोलते हैं मेरा पैसा बढ़ते भी रहना चाहिए और मेरे को इंटरेस्ट मिलते रहना चाहिए। अभी जैसे कि अगर हम दिल्ली एनसीआर में बात करें तो कई लोग अपनी प्रॉपर्टी एक घर बिल्ड करते हैं और घर बिल्ड करने के बाद जब वो 60 साल के हो जाते हैं उसको रेंट पे डाल देते हैं और रेंट से ही अपना गुजारा कर लेते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं हम अपना घर नहीं बेचेंगे, एसेट पड़ा रहेगा, इन्वेस्टमेंट वैसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन उसका जो किराया है वो मेरे घर का खर्चा चलाएगा। और किराए की सबसे अच्छी बात क्या होती है या होती थी कि वो महंगाई के हिसाब से वो भी हल्का हल्का बढ़ते जाता है, ताकि अगर आज मेरी मैं अगर रिटायर हो जाऊं और मेरी मेरे पास एक घर है जिसको मैं 20,000 रुपया मैंने किराए पे दिया हुआ है, तो वो 20,000 रुपया मेरे को मिलेगा और शायद ये 20,000 रुपया महीना हर साल 5% से या 10% से बढ़ता रहेगा, तो अगर महंगाई बढ़ भी जाती है तो मुझे चिंता नहीं होती। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी डिविडेंड इनकम होती है, जो डिविडेंड इनकम आपको वापस दे दी जाती है वो वापस री इन्वेस्ट नहीं होती, आप चाहें तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम जनरली अगर आप कितने सालों का स्टैंडर्ड देखें वो 1.5% के आसपास होता है और उस पर भी टैक्स जो होता है वो जीरो होता है। और अगर आज मैं दिल्ली एनसीआर में घर देखूं तो उसमें भी ऐसा ही है कि अगर घर 100 रुपए का है तो आपको जो किराया मिलता है वो 1.5 से 2% का ही मिलता है और उस पर भी टैक्स लगता है, जबकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो दो तरीके हैं रिटायरमेंट सोचने के, जो लोग तो अपना पैसा बहुत बढ़ाना चाहते हैं वो उस ढंग से सोचेंगे जो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मुझे कोई बोले कि मैं रिटायर कब हूँ तो मैंने ऐसा कुछ हिसाब लगाया कि समझिए मेरा महीने का खर्चा 50,000 रुपया है, अगर मेरा महीने का खर्चा 50,000 रुपया है तो साल का मेरे को 6,00,000 रुपया चाहिए अगर मैं आज रिटायर होना चाहता हूँ तो, और ये 6,00,000 रुपया हर साल बढ़ना भी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो मेरा वो हिसाब भी पूरा होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि अगर मेरा पोर्टफोलियो किसी का पोर्टफोलियो आज 10 करोड़ का हो, जो जवान जब आज से स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम वो नंबर्स इजीली पहुंच सकते हैं, वो अगर किसी का पोर्टफोलियो आज 10 करोड़ का हो तो 1.5% के हिसाब से उसको करीब करीब 15,00,000 रुपया साल का मिलेगा जो टैक्स फ्री होगा। अब इसका मतलब 6 लाख के लिए करीब करीब उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ या 4.5 करोड़ का होना चाहिए, यानी कि अगर मैं आज 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो इकट्ठा कर लूं स्टॉक मार्केट में और उस पे 1.5% जो डिविडेंड है बस वो लूं और बाकी जो पैसा लगा हुआ है वो स्टॉक मार्केट में ही छोड़ दूं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे लंबे समय तक उस पैसे की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने सबकी शादी कर दी या मेरा और कोई दूसरा खर्चा नहीं है, बस महीने का महीना है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि 5 करोड़ रखेंगे तो उस पे 1.5% मिलेगा, 1.5% का मतलब करीब करीब कुछ नहीं तो 7.5 लाख रुपया या 4.5 करोड़ रखेंगे तो उनको 6 लाख रुपया डिविडेंड इनकम मिलेगा, वो डिविडेंड इनकम वो निकाल सकते हैं और बाकी 5 करोड़ रुपया पूरा स्टॉक मार्केट में चाहे वो रख सकते हैं। कई लोग ये सोचेंगे कि मेरे को वो 5 करोड़ में से काफी पैसा निकालना होगा, मैं रखने वाला नहीं, तो उसको वो ऐसा सोच सकते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लूंगा, क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी या उसके ऊपर उतार चढ़ाव से कोई लेन देना नहीं रखना, तो मैं सारा का सारा पैसा निकाल के 60 साल की उम्र या 50 साल की उम्र में सारा का सारा बैंक में रखूं। उसमें आपको कैलकुलेशन कुछ ऐसी सोचनी चाहिए कि जिसको समझिए आज की डेट का 10,000 रुपया पेंशन चाहिए, अगर तो वो नंबर किसी को 20 चाहिए, किसी को 1 लाख चाहिए, वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 10,000 रुपया महीना आज की पेंशन आप सोच रहे हैं वो 40 साल बाद 10,000 रुपये में बात नहीं बनेगी, क्योंकि महंगाई काफी हद तक बढ़ गई होगी। तो करीब करीब महंगाई अगर हम 6% से सोचें तो ये महंगाई 10,000 से करीब करीब 10 गुना बढ़ गई होगी, यानी कि उस टाइम उसको पेंशन चाहिए होगी 1,00,000 रुपये। अगर उसको 1,00,000 रुपये की पेंशन चाहिए होगी 60 से लेकर 90 तक की उम्र में, तो अगर मैं समझिए आज 60 साल का हो गया तो मैं 60 साल की उम्र में कितना पैसा बैंक में रख दूं ताकि हर महीने मेरे को 1,00,000 रुपया मिलता रहे अगले 30 सालों तक,
और 60 से लेकर 90 में महंगाई बढ़ाने का इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके काफी खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि आप घूमने नहीं जाते बाहर या ट्रैवल नहीं करते ज्यादा, तो वो काफी खर्चे कम हो जाते हैं। तो अज्यूमिंग किसी को आज की डेट की 10,000 रुपया पेंशन चाहिए, तो इसका मतलब उस टाइम उसको 1,00,000 रुपए की पेंशन चाहिए, तो उसको करीब करीब 1,36,00,000 रुपए अगर वो बैंक में जमा कर देता है, अज्यूमिंग आज बैंक जैसे 8% 7.5% दे रहा है, 8% दे रहा है, तो 8% अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इस 1,36,00,000 में से हर महीने 1,00,000 रुपया निकाल सकता है और अगले 30 सालों तक निकाल सकता है, लेकिन 30 साल बाद ये पूरा 1,36,00,000 जीरो हो जाएगा। अब वो ऐसा भी सोच सकता है कि मैं क्यों ना 2,00,00,000 रुपए रख लूं और 2,00,00,000 रुपए में 6-7% जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा उतना मैं निकाल लिया करूंगा, जो 12-13 लाख अगर मेरे को समझिए 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे को करीब करीब 12,00,000 रुपया इंटरेस्ट मिला करेगा, तो मेरे 2,00,00,000 रुपए हो गए, उसमें से 12,00,000 रुपया मैं खर्च कर दिया करूंगा जो मेरा इंटरेस्ट होगा, और 2,00,00,000 में प्रिंसिपल पूरा का पूरा बचा कर रखूंगा। तो उसमें अलग अलग तरीके से प्लान बनेंगे। कई लोग बोलेंगे कि मेरे को सारा स्टॉक मार्केट में रखना है, तो उनकी डिविडेंड इनकम इतनी होनी चाहिए कि उनका खर्चा चल जाए, उस हिसाब से उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई लोग ये बोलेंगे कि मुझे लास्ट में कुछ छोड़ के नहीं जाना, तो इसलिए वो कम पैसा भी इकट्ठा करते हैं, 1,36,00,000 भी करते हैं तो भी 1,00,000 रुपया मिल जाएगा महीना, लेकिन वो 1,00,000 रुपये आज के 10,000 के महीने के बराबर होगा। कई लोग ये बोलेंगे कि मेरे को पैसा तो चाहिए ही चाहिए रेगुलर, मेरा प्रिंसिपल भी पड़ा रहे, तो फिर उनको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि 2,00,00,000 रुपए या 2,00,00,000 रुपए रखे और बैंक में अगर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 12,00,000 रुपए उनको इंटरेस्ट मिल जाया करेगा साल का, जो वो खर्च कर देंगे, जो आज की रेट का 10,000 रुपया महीना होगा उस टाइम का 1,00,000 रुपया महीना और साल का 12,00,000, और बाकी 2,00,00,000 उनका वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। बचत करने के और इन्वेस्ट करने के तरीके और किस तरह से हम इसे सेवानिवृत्ति के बाद का जो हमारा जीवन है उसे कैसे सफल बना सकते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी और सभी महत्वपूर्ण बातें दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।